यार क्या खूबसूरत सनसेट है। और सन चुप गया भाई। कौन कहता है इतनी सर्दी में जान जाती है, सिर्फ बुरा हाल होता है, आंखें फट रही हैं, चेहरा हैंड मेरे फुल फ्रीज है, ये देख रहे हैं चेहरे पे और बोला नहीं जा रहा और बाकी जिस्म के हिस्सों का आप खुद ही अंदाजा लगा लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और भाई सलाम कर दो। आज की वाइब्स आपको हुंजा और उससे आगे वाला सारा एरिया वो दिखाते हैं, चलते हैं और साथ रहिएगा। और चलोगे तो भाई शुरू होगा सब कुछ। लेट होंगे थोड़ा सा। चलें। यहाँ की ब्यूटी अलग है, टोटली अलग है। आप इस साइड पे आते हैं ना, जब हुंजा वाले साइड पे, तो बहुत ज़्यादा रॉकी और डिफरेंट ट्रीज हैं। इस तरह की ब्यूटी सिर्फ हुंजा में ही पाई जाती है। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आप साथ सीन सारे देखें जो जो वीडियो में आ रहे हैं, हर सीन का एक अलग मज़ा है। अल्लाह की कुदरत देखें, हर जगह के अलग पहाड़ हैं, अलग ही उसका टेक्सचर है, कहीं ड्राई है, कहीं ग्रीन है, कहीं पे तो स्नो पड़ी हुई है। आजकल स्नो का सीजन स्टार्ट हो गया है और सब पहाड़ एक दूसरे से अलग है कलर में, शेप में। यहाँ की पासो कॉन्स बहुत मशहूर है, जो कि मस्त दिखाऊंगा मैं आपको आगे, तो साथ रहिए। और यहाँ पर पाक चाइना की फ्रेंडशिप के तौर पे ना जो टनल्स बनाई गई हैं, उनके नज़ारे करवाते हैं। वेल, ये टनल किलोमीटर्स में बनाई हुई है और ये इसके ऊपर पहाड़ है, माउंटेन्स है, ये माउंटेन में ना इन्होंने ये टनल निकाली हुई है और किलोमीटर्स में, और ये टनल में से मिला है मुझे। यार डेंजर है पर मजा मजेदार। इसके ऊपर टोटली पहाड़ है, पहाड़ के बीच में आओ, समझ रहे हैं ना, बहुत इंटरनेशनल लेवल की ये बनाई हुई है। लाइट्स और स्पीकर्स, इवन के एमरजेंसी के लिए काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एग्जॉस्ट गाड़ी से भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, वो पीछे मैंने देखे हैं। चलें अब आगे चलते हैं। लॉन्गली पाक चाइना फ्रेंडशिप, यहाँ की मोस्ट फेमस जगह अताबाद लेक, जो कि हर साल रंग बदलता है। मैं जब भी आया हूँ, इसका पानी कभी ब्लू होता है, कभी पर्ल ग्रीन होता है। तो अब हम उधर जाते हैं और बोटिंग शॉटिंग करते हैं और साथ आपको व्यूज भी दिखाते हैं। अब हम हैं गुलमिट। गुलमिट एक एरिया है यहाँ पर, आगे आता है मेरा फेवरेट, बहुत खूबसूरत वैली है ये। मैं अक्सर यहाँ पर जब भी हुंजा आता हूँ, यहाँ पर बैठ के आराम से नाश्ता या खाना खाता हूँ। वो सामने पासुकॉन्स है, ये पीछे स्नो से ढका हुआ। ये जितने भी नॉर्दर्न साइड पे जितना भी एरिया है, ये सब पहाड़
ऐसे लगता है जैसे रेसें लगी हुई हैं इनमें कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत, सब एक से बढ़कर एक है, सब खूबसूरत है। क्या खूबसूरत अल्लाह ने ना ज़मीन पे ये नेचर उतारी हुई है अपनी। क्या देख रहे हैं? क्या नाम है इसका? मुझे नाम नहीं पता। आप बैठो, पीछे देख रहे हैं ना आप, ये वर्ल्ड फेमस पासू, ये पासू एरिया का नाम है और ये कॉन्स की शेप की बनी हुई है, इसलिए इसको पासू कॉन्स कहते हैं। अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। पहले सुस्त आएगा, सुस्त बॉर्डर, फिर चाइना बॉर्डर। और सफीर को लगी हुई है हैवी किस्म की टेंशन कि भाई हम लेट हो गए हैं और रास्ता बंद ना हो जाए, जिसके चांसेस हैं, सुनने में आया कि भाई 4-5 बजे बंद कर देते हैं और हम हो गए हैं लेट। और सफीर ने और मैंने लगाई हुई है फुल रेस। फिलहाल मैं आगे जी, एंट्री फीस जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनके लिए 300 पर पर्सन और फॉरनर्स के लिए $20। टू सेल्सियस टेम्परेचर हो गया और हालत देख रहे हैं आप बाहर की। थोड़ी देर हाथ निकाला और मैं जम गया हूँ। अब हम रिस्क ले रहे हैं, देखते हैं जहां तक गाड़ी जा सकती है जाएगी, हम नहीं रुकेंगे। और जहां डेंजर लगेगा कि भाई इससे आगे गाड़ी नहीं लेके जानी, डरते नहीं हम, चुप करके वापस आ जाएंगे। सन चुप गया भाई। सूरज बाबू कहाँ चुप रहे हो? 1 सेल्सियस तक पहुंच गया जी, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है टेम्परेचर। फाइनली हिम्मत करके हम पहुंच गए हैं चाइना बॉर्डर तक और यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है, दिखाओ, ये देखना, यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है -6 -6 मैन। देयर वी गो सफीर, आजा। क्या टेम्परेचर शो हो रहा है गाड़ी में? -8 हो रहा है। मेरे 6 आ रहा है। -8 ओ मैन। और ये रहा जी पाउडर। जान जा रही है बस और हैंड्स मेरे फुल फ्रीज हो गए हैं। आइस बर्न हो रहा है। और सुबीर भाई क्या हालात हो रहे हैं आपके? मैं तो अभी गाड़ी से आया हूँ, अभी मेरा हालात बेहतर ख़राब होंगे। बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा वेदर है, स्नो फॉलिंग होने लगी है और मज़ा आ रहा है। मेरे हाथ अभी तक स्टेबल नहीं हो रहे, आधा घंटा हो गया
लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, ये फ्रीज हो गए थे। अगर आते और ऐसी सिचुएशन मिले तो बच्चों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाहर निकालो, और जो सर्दी से ज़्यादा डरते हैं वो भी बिल्कुल ना निकलें और ग्लव्स मस्त लेके जाएं। और इससे पहले कि स्नो फॉलिंग और शुरू हो जाए और रोड की हालत ख़राब हो जाए, गाड़ियाँ फिर डेंजर हो जाता है, स्लिप हो सकती है, तो हम वापस चले। वो दिखाइएगा ज़रा रोड की हालत। ये रोड पे देख रहे हैं ना आप, ये स्नो की ना एक परत जम गया, तो अगर टायर ना यहाँ पर स्किड हो जाता है, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। आज की वाइब्स इतनी थी, कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाते दिखाते वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा, एक नई वाइब के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।